दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कैंपटी फॉल। ये देखें यहाँ से, ये कुछ व्यू है, पूरा पहाड़ी एरिया कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखो वो है नीचे, हम लोग वहाँ पे नहा के ऊपर से आ गए। पूरा सीढ़ी चढ़नी पड़ती है भाई, लंबा, रोपवे बंद है। चलो आप चश्माउंट पे आओ, चलाते स्कूटी, मिलते हैं आगे। अभी 12:46 हो रहा है, भीड़ बहुत बढ़ गई है, तो बेटर यही रहेगा सुबह सुबह आ जाओ, क्योंकि दिन में आओगे ना गजब की भीड़ होती है। तो अब जाएंगे हम लोग कंपनी गार्डन। भाई पहाड़ों में चलाने में तो मज़ा आती है यार, मेरी बुलेट होती ना यार, धनो मेरी, मिस कर रहा हूँ उसको मैं। घर यार रही होगी मुझे कि तो किसी और पे बैठ के गाड़ी चला रहा है, वो होती तो यहाँ पे राइडिंग का अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता उस पर, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है पहाड़ों पे चलाने पे, बैलेंसिंग बढ़िया रहती है ना। ओ भाई अंदर हो जाओ ना, छिल जाएगी पीठ तुम्हारी। सो दिस इज द व्यू पॉइंट, देख रहे हो भाई, शानदार एकदम। और कैसा लग रहा है, मज़ा आ रही है? निशान थक गए लग रहा। यहाँ मैगी 10 रुपए की भी आती, देख रहे हो। एक इसकी फोटो लेता हूँ यार, ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। दूर कहीं पहाड़ों में हम आए हैं घूमने, ओ हो हो हो। ओ नाइस, ये आईएएस एकेडमी देखो यार, लवासना। ये पूरा होगा, काफी बड़ा होगा ऊपर से नीचे तक। आओ, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये है लवासना, ऊपर है ना, ये लवासना, ये है लवासना एकेडमी। देखो भाई साहब वो ऊपर है, बताओ लवासना के पास ऐसी रोड है यार, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल सी है। राष्ट्र की सबसे बड़ी एकेडमी और ये हाल है, इधर 200 मीटर पे ही रोड खराब है पूरी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, गलत बात है। और वो रहा कंपनी गार्डन, फाइनली वी आर हियर। तो ये है दोस्तों कंपनी गार्डन, यहाँ पे शॉप्स हैं खूब सारी, 50 रुपये का टिकट है, और पार्किंग की स्कूटी की 30 रुपये हैं। तो देखो भाई, ये देखो एक कुआं मिला है, ये तुम्हें किसकी याद दिला रहा है? ये छोटी यमुना लग रहा है, छोटी यमुना लग रहा है। यहाँ पे सिक्का डाल के मन्नत मांगो तो पूरी हो जाएगी? नहीं पूरी होगी, यमुना नदी है, इसमें सिक्का डालने में सिक्का गल जाएगा, सिक्का गल जाएगा भाई, सिक्का दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। भीड़ ज्यादा है भाई साहब यहाँ पे, ये 360 घुमाएगा कि नहीं, तब तो झूलेंगे। देखे देखो, रुको एक सेकंड, इसको देख के निशान का रिएक्शन जो मछली मछली भी है भाई, वो बाहर निकलना चाह रही, करी हमें जमीन पे फेंक दो ज्यादा सही है, यहाँ नहीं हो पा रहा है हमसे। वाटरफॉल में क्या, नकली वाटरफॉल में ही फेंक दो ज्यादा सही है। लखनऊ में हम लोग वहीं से हैं, वहाँ पे ऐसा बना। इसको धक्का धक्का लग गया तो इंफेक्शन से मर जाएगा बाद में। अब उधर चलो 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 चलो, जाने का रास्ता कोई और। क्या भैया के रॉन्ग साइड आए और चलान लो। भरो भरो 100 रुपया, क्या 50 रुपये टिकट, 100 रुपये चलान बना दिए। ये 360 हो तब तो मज़ा है, वो नहीं होगा, इसे पूछते हैं। क्या भैया ये ऐसे पूरा घूमता है क्या? नहीं, वो घूमता तब तो कर लेते, मज़ा आती है उसमें। तो भाई देखो
ये कोई झूला है लखीमपुर के मेले में लगता था, वो पैदल मैनुअल चला था। था। ये बस क्या कहता अबे सीधे सीधे तेरे करते हैं हम, प्रेम में तो आए कम से कम। चाय आ गई कंपनी गार्डन की, अब यहाँ चाय 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 पिया जाएगा। देखो इतना बढ़िया ग्रीनरी है यहाँ पर, काफी ज्यादा ग्रीन। हम लोग क्या हो गया, बोर हो गए, लिटरली बोर हो गए। गर्म ही मीठी। अरे यार दोस्त देखो, ये है कंपनी गार्डन की चाय, यहाँ पे नीचे फूड कोर्ट है। जिसको इस चाय को ले जाके फ्रिज में रख के जमाना है तो पी सकता है, क्योंकि ये फिर आइसक्रीम बन जाएगी। इतनी मीठी चाय है, मतलब देख रहे हो, किसी ने नहीं पी, सबने छोड़ दी। चाशनी है, चाशनी है। और ऊँट चिपक रहे हैं भाई, देख बताओ भैया कैसे लग रहा है। चिपक रहे हैं भाई, दूसरी बार हो गया ये। शक्कर की शक्कर भी ज़्यादा सस्ती है, ज़्यादा ही सस्ती है। इतना मीठा पता नहीं कैसे पी लेते हैं भाई, वो अजीब सा लगने लगा है अंदर। डायबिटीज वाला तो इंस्टेंट डायबिटीज वाला इंस्टेंट एक्सपायर हो जाएगा पर। हॉट बेवरेजेस भाई बिल्कुल मत पीना भाई। आइसक्रीम अगर जमानी हो तो ले जा सकते हो इनकी चाय, फ्रिज में रख दोगे आइसक्रीम, चाय आइसक्रीम बन जाएगी, बढ़िया लगेगी चाय आइसक्रीम। चला अच्छा खासा मन था आइसक्रीम खाने का, वो भी ख़राब हो गया। बालू शाही खाएंगे हम लोग, बालू शाही खाई जाएगी अब। हाँ तो भाई ये भी होता है यहाँ पे कंपनी गार्डन में। निशांत कह रहा है हम ये करने वाले हैं। निशांत शुरू हो जाओ, करने वाले हैं, करो करो करके दिखाओ, कंटेंट तो तैयार करो। गाना हम लगा देंगे, तुम बस नाचो। डेविड पुत्र 2000 सीसी भाई, गजब बाइक थी वो भी। हॉन्टेड हाउस, अरे अच्छा हमको लगा तो भाई सब हो गया यहाँ का, दोबारा कभी नहीं आएंगे। मेरा हो गया, अल्लाह वासना देखने आए। बचपन में मम्मी पापा लाके ऐसा बेवकूफ़ बनाया है हमको यहाँ पे, अब मुझे पता चल रहा। कितनी उम्मीदों से आया था यहाँ पे। बस्ती जैसे क्यों मना करते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लगा। मसूरी आ रहे हो वो भी बस से एकदम धक्के खा के, उसके बाद ऐसा व्यू मिल रहा है, देख रहे हैं गार्डन भाई। फिर तो जो रिग्रेट होगा, रिग्रेट भाई हमको अभी हो गया है। लेकिन सही था, जाना था ही, जाना तो था ही तब भी। हाँ जानना तो हो गया ना, गलती महसूस हो गई। महसूस क्या, गलती तब भी करनी थी। ऐसा थोड़ी किसी ने पूछ दिया मसूरी जाएंगे नहीं, जाना तो पड़ता ही, जाके लोग बोलेंगे ना कि मसूरी मत जाओ, नहीं जाएंगे। हो गया वन टाइम, चलो भाई हो गया, अब बाइक पर बैठते हैं, मिलते हैं चेस्ट माउंट पे। अबे वाह लंगूर देखो, ये देखो हाँ लंगूर, ये है लवासना। सैंडविच कर लेना वेज। तो भाई साहब ये लवासना के सामने कैफ़े है, उसमें आए हुए हैं, यहाँ पे बुक्स एंड ऑल सब कुछ है, चाय की उम्मीद में है, इसीलिए रुके थे, लगा कि चाय यहाँ पे हो सकता है अच्छी हो, क्योंकि क्लासी चाय है, सामने लोग आते होंगे ऑफिसर्स वगैरह, फिर तो ग्रीन टी अच्छी होगी, तो देखते हैं लेट्स सी। इस हिसाब से तो ग्रीन टी अच्छी मिलनी चाहिए, हाउ इट गोज, ब्लैक कॉफ़ी मिलनी चाहिए भाई साहब। ये देख रहे हो, गेस करो क्या है, गेस करो जल्दी करो, कॉफ़ी है, शरबत है, मिल्क शेक है, आप सब गलत हो। ये देखो मैजिक, ये है,
अबे उठाओ भाई इसको, ये देखो ये टी बैग दिख रहा है। हाँ भाई साहब ये चाय है, चाय नहीं पानी में टी बैग डाला गया है। और ये देखो, जिंदगी में पहली बार मैंने फिंगर चिप्स आलू वजह जो भी कह लो, जिंदगी में पहली बार ख़राब खाए होंगे। इसको कोई ख़राब नहीं बना सकता, लेकिन ये लोग बना सकते हैं। और ये कैफ़े है लवासना के जस्ट सामने। बाहर निकल के ऐसा लगा लवासना के अंदर, लवासना के सामने जेल थी। ये देखो दोस्त, लवासना है यहाँ पे। ये देखिए लवासना का ये रहा गेट, और ये है कैफ़े शोरविल कैफ़े। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ, चेस्ट माउंट पे आइए तब। हाँ तो दोस्तों, फ़िलहाल सीन ऐसा है, यहाँ पे ये शोरविल कैफ़े था लवासना के सामने आए थे। ज़िंदगी में सबसे घटिया मैंने चाय पी है, चाय 65 रुपये की थी, 65 की। बंदे ने 65 की दी तो, मगर वो 65 के लायक नहीं, मतलब क्या कहते हैं, टेस्ट नहीं था उसमें। चाय दूध उसने डालोगे 2-3 चम्मच दूध, बाकी पानी, और फिर उसमें टी बैग भाई, और वो भी पूरा मग्घा भाई। इतनी तो कोल्ड कॉफ़ी आदमी पीता है, मतलब परेशान हो गए, झेल गए भाई, उसको पसीने छूट गए पीते पीते। 65 मिनट लगे टोटल उस चाय को ख़त्म करने के लिए, 65 रुपये की चाय 65 मिनट लगे। बाकी सैंडविच था, सैंडविच तो भाई पता नहीं क्या है यार, सूखी ब्रेड में भाई कुछ तो थोड़ा सा तो बटर लगा देते, टेस्ट बन जाता, लेकिन नहीं। तो फिलहाल यही है, और यही से उतरे थे, देखो मैप पे। आओ चलो भाई, ट्रेन छूट रही है हमारी, हाँ पकड़वाओगे आओ। तो सैंडविच तो भाई क्या ही बोले, कुछ नहीं था, बकवास। फिर उसके बाद आया पोटैटो वेजेस, फ्रेंच फ्राइज बोला था, पता नहीं क्या, वो आलू कचालू वाले आलू दे दिए यार, बिल्कुल पके नहीं थे। 395 का खर्चा हो गया बे, मतलब इतने बढ़िया तो पेट्रोल डलवा लिए होते, चलती भी गाड़ी लंबा। तो ऐसे कुछ कभी कभी कट जाता है, ऐसे कैफेज को अवॉइड करें तो ही बेहतर है। तो फिलहाल वापस हम जा रहे हैं माल रोड चढ़ते हुए। तो गाइस माल रोड आ चुके हैं, फिलहाल यहाँ पे चाय पियेंगे। बताओ इतनी पास थे हम माल रोड के, वहाँ पे हम लोगों ने कटवा दिया गंदी चाय पी के 65 रुपये की। चाय महसूस हो रही है। अब फिर भी हो गए अब। चलो भाई गो स्टॉप आ गया है अपना, ये देखो भाई साहब हिमालयन, ये है बाइक भाई जो लोगों का ड्रीम होता है, मेरा तो है मन इस बाइक को लेने का। सही सिस्टम बना रखा है भाई ने, बढ़िया है बढ़िया है। क्या हाल है दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है। टाइम हो रहा है आपका 5 बज रहे हैं एग्जैक्ट, और हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक। वहाँ पे बताया जाता है कि सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, तो लेट्स सी। जॉर्ज हिंदू नहीं होगा, जॉर्ज पांडे, मोहम्मद जॉर्ज पांडे, जॉर्ज चौरसिया, जॉर्ज चौरसिया, नाम बढ़िया लग रहा है वैसे। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं जॉर्ज चौरसिया पीक पे, वहीं से आपको नज़ारे दिखाएंगे। आज से इसका नामकरण हो गया है भाई, जॉर्ज चौरसिया। हाँ, और ये रोड है भाई साहब, रोड तो ऐसा खून खच्चर हो रखी है यार, मतलब पूरा अंदर का पोर्शन हिल चुका है। और इस स्कूटी में शॉकर भी नहीं, यही दिक्कत होती है स्कूटी में, बस यही दिक्कत है कि भाई इसका सस्पेंशन भाई एकदम जीरो होता है, जीरो, तभी पूरी बैक पेन होने लगी। अभी यही बाइक होती एकदम कंफर्टेबल, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे से यही याद रखेंगे भाई, हिल स्टेशन पे कभी भी स्कूटी नहीं लूँगा मैं, भले एक्स्ट्रा पैसा पड़ जाए, लेकिन ये धचकोले थोड़ी खाने पड़ेंगे कम से कम। लश ग्रीनरी है भाई साहब, ग्रीनरी देखो आप इधर, एकदम बेहतरीन।
ऐसी ग्रीनरी में गाड़ी चलाने में मजा तो आती है भाई, साफ सीधी बात, नो डाउट। क्यों ग्रीनरी, ऐसी ग्रीनरी में गाड़ी चलाने में अलग ही होता है, बेहतरीन एकदम व्यू। ये देखो भाई साहब तगड़ी रोड, ये ड्राइव स्लो, चील है भाई। ये पूरा जंगल है इधर, बंद कर दिया है। क्या लिखा है यहाँ पे, आई सिंग थ्रू द डार्क नाइट्स इन द फॉरेस्ट, कम हियर मी। ओके, उल्लू यहाँ पे सिंग करते हैं भाई। ये देखो, डोंट थिंक वी आर क्रॉसिंग योर रोड, यू आर क्रॉसिंग आर होम। ओके, जगह का नाम है हाथी पाँव, जॉर्ज एवरेस्ट। अच्छा, इधर से एरो टेढ़ा बनाए, नीचे उधर होना है। फिर एवरेस्ट किस बात का है भाई, जब नीचे जाना है। सनसेट कैसे दिखेगा भाई, एकदम ढलान। अच्छा ये है, अबे क्या यार, इसको 6 बजे बंद कर देते हैं, जरूरत क्या है भाई, मतलब बाइक से कहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा ये लास्ट, 200 रुपए एंट्री फीस है इसकी। भाई चलो यार कहीं और बैठ लेंगे, देख लो। ये है यहाँ का जॉर्ज एवरेस्ट का बेस, और ये यहाँ पे है, देख सकते हो आप, ये लगा है यहाँ पे। 200 रुपए एंट्री फीस है, उसके बाद कंपनी की गाड़ी है जो ऊपर ले जाएगी हाउस तक, और हाउस से पीक है लगभग 400 मीटर दूर, ऐसा अपडेट है। और पार्किंग है यहाँ पे स्कूटी की 100 रुपए, तो भाई है यहाँ खर्चा कुछ ज़्यादा ही है। तो फिलहाल तो पीक बंद हो गई है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 5:40, 5:30 बजे के आसपास पीक बता, प्री वेडिंग भी चल रहा है, मुझे लग रहा है 5 बजे तक पीक बंद कर देते हैं। प्री वेडिंग भी करा सकते हैं, देखिए प्री वेडिंग चल रहा है, प्री वेडिंग भी चल रहा है। अबे इन्फो दे रहे, रुक जाओ यार। अब फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, अबे भुला दिए क्या बोल रहे थे हम। चलो कोई नहीं, यही है जो है, अब ऊपर ऊपर समझ लो भाई, जो है फिलहाल यही है। 6 बजे हाँ बंद कर देते हैं ये, तो अब कोई मतलब नहीं है जाने का। तो कुछ ऐसा व्यू है, देख लो थोड़ा बहुत, प्री वेडिंग कराना चाहते हो तो आ सकते हो। सोचे थे सनसेट देखेंगे, यहाँ से भी गया, अपनी जगह से भी गया सनसेट। तो दोस्तों फिलहाल जॉर्ज चौरसिया पीक से हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ बंद हो गया है, और इसका नामकरण भी हम लोगों ने कर दिया है आते आते, जॉर्ज चौरसिया पीक। आज से इसका नाम यही है, सब लोग इसी नाम से बुलाएंगे। जय हिंदू राष्ट्र। कुत्ता लखपन में है भाई साहब, इसने 200 रुपए दिए वसूल रहा है। यस, अबे किसी की विग पा गया है ये, कौन टकला है देखो जरा। लग तो वही रही है, काला कुत्ता है, काला पहन ले पता भी नहीं चलेगा। स्मार्ट लगेगा लौंडा, प्री वेडिंग में वही खड़ा हो जाएगा। डॉगी बाला, इस स्ट्रीम में पानी आता होगा हाँ, जब बारिश होती होगी तो कितना सही लगता होगा। व्यू तो अच्छा है, व्यू बढ़िया लग रहा है ये। ये उसका है क्या, जो ऐसा लग रहा है जो खजियार मैक्लियोडगंज वाला है वैसा है, वैसा व्यू दिख रहा है। वो देखो जा रही है डाला, पीछे बिठा रखा है, ये देखो कंपनी की गाड़ी। और कहीं देखेंगे बढ़िया सनसेट, लेकिन फिलहाल मैंने जो बेस्ट सनसेट अब तक का देखा है अपनी लाइफ टाइम का, वो मैंने गोकर्णा में देखा था। अगर आपने गोकर्णा का ब्लॉग नहीं देखा है तो उसको देखिए, मैंने उसमें अपलोड किया है। भाई साहब क्या सनसेट था यार, वो आज भी याद आता है। बीच के ऊपर पूरा ऐसे चांद टाइप का वो थे, पूरा बीच और ऊपर हिल पे खड़े होके देख रहे थे, मस्त बीच दिख रहा था और एकदम सनसेट हो रहा था, अल्टीमेट व्यू पॉइंट था भाई गोकर्णा। यार अगर कोई दोबारा भी जाएगा ना तो मैं चल लूँगा, बहुत सही जगह है यार। गोवा से बेस्ट लगी मुझे गोकर्णा, एकदम ऑफ बीट है, कोई क्राउड नहीं है। खैर चलिए, गोकर्णा की बातें तो फिर कभी होती रहेंगी। इम्पल्स पहाड़ों पर मैंने इम्पल्स काफ़ी देखी, बुलेट कम देखी है यहाँ, 350 वाली इम्पल्स ज़्यादा है। इंटरसेप्टर दिखी थी 2-3 जगह बस, बाकी 1-2 हिमालयन, पुरानी वाली हिमालयन तो काफ़ी दिखी, ये जो नई वाली हिमालयन है 450 वो एक ही दिखी थी जो हमारे गो स्टॉप पे ही खड़ी हुई थी। यार वो ड्रीम बाइक है मेरी, कभी मौका मिला तो उसको ज़रूर लूँगा यार।
थोड़ा यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, कमेंट कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों फैमिली में, तो थोड़ा चैनल ग्रो करे, आपकी ही मदद से थोड़ी हेल्प मिलेगी हमको, फिर लेंगे आगे भाई अपनी ड्रीम बाइक। फिलहाल के लिए तो अपनी 350 ही है, एक दो राइड अभी बनाएंगे मारेंगे, देखते हैं उससे कुछ ऑफ बीट लोकेशंस कवर करेंगे, और स्किल्स डेवलप कर रहे हैं यार, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। जून में कुछ सरप्राइज भी आने वाला है, एक जगह हम लोग की प्लान है, ट्रिप प्लान हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया ट्रिप होने वाली है जून एंड में। उससे पहले कोई एक बहुत ही बढ़िया गैजेट भी आने वाला है, वो आने वाला है लंदन से, तो इंतज़ार रहेगा उसका भी, और आपको दिखाएंगे उससे अच्छे अच्छे व्यूज़ और व्लॉग्स। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और उस लोकेशन पे जाने से पहले, उस ट्रिप पे जाने से पहले एक आध ट्रिप और हम कर भी लेंगे, तो बने रहिए साथ। हाथ दर्द हो जाते हैं ब्रेक लगाते लगाते, अब यही बाइक होती तो फर्स्ट गियर में डालो इंजन ब्रेकिंग का सहारा, और नॉर्मल ब्रेकिंग से आप इजीली पहुंच जाओ। अभी स्कूटी में इंजन ब्रेकिंग उतनी इफेक्टिवली लगती नहीं है, दिक्कत ये है। इंजन बंद कर देंगे भागते हुए चले जाएंगे भाई, इंजन ही नहीं बंद करना होता है, यही सबसे बड़ी गलती है। लोग सोचते हैं पेट्रोल बच जाएगा, पेट्रोल के चक्कर में खुद निकल लेते हैं। पेट्रोल तो बचा ना, बाकी का भी तो पेट्रोल बचा, जिंदगी भर का जिंदगी भर का तो ब्रेक दे लोगे तो क्या हुआ, लैंडिंग गियर डाउन कर देंगे अपना ऐसे यहां तो उधर लगाएंगे। वो तुम नहीं करो, वो सिर्फ औरतें कर पाती है, वो नहीं के में स्किल है पैर से रुकना। फेमिनिस्ट सॉरी, दिल पे मत लीजिएगा क्या हमारी बातें। देखो गिरन आजा करके गाड़ी के ऊपर बात तो से भाग भी नहीं पाओगे, नीचे गिरोगे भाग तो गाड़ी के ऊपर ही भागेगी। भाई साहब भीड़ देखिए आप, ये आगे माल रोड है यहाँ पे, इस जगह पे आगे जाने पे, और कुछ ऐसा भीड़ लगी हुई है, और ये यहाँ पे आगे जाएंगे सब लोग, जॉर्ज एवरेस्ट और कंपनी गार्डन का रास्ता है। फिलहाल हम लोग ऊपर बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और कुछ ऐसा व्यू है, देखो बढ़िया दिख रहा है। तो दोस्त चिकन चाउमीन है ये, और इसका टेस्ट मैं बताता हूँ ऐसा है, खाने में तो ठीक है, बढ़िया 100 rupees के हिसाब से बढ़िया है। ये माल रोड से जब इधर जाओगे आप जॉर्ज चौरसिया पीक, यहाँ पे कंपनी गार्डन, तो उस रास्ते में ये पड़ेगा, माल रोड से जस्ट आगे, माल रोड इधर ही है सामने। पानी चढ़ गया देखो भाई, यहाँ मैटर हो गया, पुलिस वाले घर आ रही है, ये लोग गाड़ी खोल के यहाँ कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या इन्हीं की वजह से पूरा जाम लग रहा था, अब भगाया गया है, अगर गाड़ी चल रही है जबकि हम लोग को लग रहा था गाड़ी बंद है, और अंदर घुसा रहा है, एक गाड़ी अंदर घुसा रही, एक चली गई आगे, ये अंदर पुलिस वाले आके गरिया दिए भाई, बहुत सही। ठोक दिया भाई, इंटरटेनमेंट मिल गया भाई साहब, बौरा गया है गेट, उसके लिए खोला अपना ठांसे दे रहे हैं अंदर, उनको लग रहा है इनके लिए खोली गई है, वो तो कोई टैक्सी थी, अगर किसी मालिक वालिक की होती तो गरी आता इससे लड़ता अभी। इंटरटेनमेंट मिला भाई फ्री का, आप 100 rupees की मैगी भरते है भाई। ओ भाई साहब व्यू, और ये रहा फ्राइड चिकन एंड रोटी, हाँ तो दोस्त ये आ गया है कढ़ाई चिकन विद रोटी, अब इसको खा के बताते हैं कैसा है। इसको मैं दूंगा 10 में से 6
6 तक ठीक है। 4.5 ये किसी चीज़ में नहीं खुश होंगे हमको लग रहा है। नहीं मैं 6 दूंगा ठीक है। एज एक्सपेक्टेड माल रोड पर जाते इससे बुरा ही मिलता मुझे पता है। तो वो दूसरी माल रोड थी ना, आज हम इस माल रोड पर हैं। यहाँ मुझे कोई ऐसी दुकान नहीं दिखी बढ़िया, सेम पीस मिल जाता बट लेकिन एज पर प्राइस डबल प्राइस मिलता। हाँ एज पर प्राइस भी ठीक है भैया। 300 रुपये में वहाँ हम लोगों ने कितने में खाया था, 425। चलो मिलते हैं, बाय बाय। रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं माल रोड पे थोड़ा टहलने घूमने। ओह भाई साहब कोहरा पड़ रहा है वे। तो रहा है टाइम 9:30 और ये देखिए भाई साहब क्या जबरदस्त सीन हो रखा है यार। भाई मई में कोहरे का मजा ले रहा हूँ, देख रहे हो दोस्तों, ब्यूटीफुल यार ब्यूटीफुल, मजे ही मजे मजे ही मजे। जिस चीज के लिए आए थे ना वो मिल गई यार मेरे को।